everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में और ये वैकेंसी आपके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में आई हुई हैं और ये सारी ही वैकेंसीज आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली हैं। अब यहाँ पर क्या वैकेंसीज हैं उन सभी के बारे में जानने वाले हैं हम, किस तरह से अप्लाई करना है सारी ही चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज हैं उनके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पर जितने फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये सारी वैकेंसीज जो आई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग अपलोडिंग द एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ऑन द वेबसाइट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये हो गया, इतना आपने देख लिया। बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पहुँचना होगा और आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा। अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है और किस तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें जूनियर फॉरेंसिक और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर जो कि बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में डिमांड करी गई है। तो इसके लिए आपको बोला गया है मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स या फिर फॉरेंसिक साइंस में। और यहाँ पर फिजिक्स जो है, फिजिक्स या मैथ्स या फिर फॉरेंसिक साइंस आपका बीएससी लेवल पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है क्योंकि इससे पहले इतनी वैकेंसीज आ रही थी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बीएससी कभी भी फॉरेंसिक की डिमांड नहीं करी जाती थी। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया है कि जो भी कैंडिडेट्स एमएससी फॉरेंसिक है वो तो ठीक है, बट जो बीएससी फॉरेंसिक है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ में 3 इयर्स के एक्सपीरियंस की भी डिमांड करी गई है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो रिटायर्ड स्टाफ होते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो वो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, बाकी आगे बढ़ते हैं, बाकी जितना इंपॉर्टेंट है जो रेलिवेंट है बेसिकली उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी जूनियर फॉरेंसिक और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में। यहाँ पर बोला गया है मास्टर्स डिग्री चाहिए है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर फिजिक्स में, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपका इन सब में होना चाहिए। अगर ये सब कुछ होगा तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके साथ में आपका 3 इयर्स की एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है। यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपका वही सेम पोस्ट है जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको बोला गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर फॉरेंसिक साइंस में, और उसके साथ साथ बैचलर्स लेवल पर आपके पास फिजिक्स या फिर फॉरेंसिक साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ में आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। तो अगर आप लोगों ने PhD कर रखा है और उसको करते करते 3 इयर्स हो चुके हैं तो वो आपका एज एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च असिस्टेंट की तरह से वर्क किया है तो उसके अगर 3 इयर्स हो चुके हैं तो वो भी आपका एक तरह का एक्सपीरियंस में ही काउंट करा जाएगा। और उसके अलावा कहीं आपने प्राइवेट काम किया है तो उसके भी आपका एक्सपीरियंस में ही काउंट करा जाता है, उसकी रेलिवेंसी कंपैरेटिवली कम रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है हाउ टू गेन एक्सपीरियंस, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं वीडियो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, ये आपकी बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में है। यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री अगर फिजिक्स में है या फिर मैथ्स में है या फिर फॉरेंसिक साइंस में है, और उसके साथ साथ बैचलर्स लेवल पर आपके पास फॉरेंसिक साइंस, फिजिक्स या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना
चाहिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। बाकी और भी यहाँ पर चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिसके लिए आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री आपकी केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए, या फिर बीएससी लेवल पर इसके साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पर फोरेंसिक साइंस को हटाया गया है, यहाँ पर एट बीएससी लेवल केमिस्ट्री की ही डिमांड करी गई है। तो अगर ये है आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की ही पोस्ट है बायोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर बोला गया है मास्टर्स डिग्री जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस, इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर्स डिग्री है। और इसके साथ साथ बीएससी लेवल पर आपका जो है जूलॉजी, बॉटनी या फिर फोरेंसिक साइंस, इनमें से किसी में भी आपका बैचलर्स लेवल की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना भी मस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आपका बोला गया है ग्रेजुएट डिग्री, जो कि आपके साइंस वाले जो होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और फोटोग्राफी का एक डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, और ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फोटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक फोटोग्राफी विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इट्स टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका स्पेशली फोरेंसिक साइंस को कोई भी प्रेफरेंस जैसा नहीं दिया गया है, बट हाँ आपका अगर ग्रेजुएशन फोरेंसिक साइंस से था, कोई आपने डिप्लोमा भी कर रखा है फोटोग्राफी में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सीनियर साइंटिफिक, ये बेसिकली साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में। ये वैकेंसी जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो इसमें क्या है, मास्टर्स डिग्री आपकी फिजिक्स में होनी चाहिए, या फिर मैथ्स में होनी चाहिए, या फिर फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए, और जो बैचलर्स लेवल है वो आपका फिजिक्स या फिर मैथ्स में होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक। और यहाँ पर फोरेंसिक साइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो अगर आपकी जो बीएससी है वो मैथ्स या फिजिक्स में से किसी एक में है, और एमएससी आपका मैथ्स, फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस किसी भी एक में है, तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर भी आपकी मास्टर्स डिग्री जो है केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए, और बैचलर लेवल पर आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कुछ भी, तो उसमें आपको इसका प्रेफरेंस मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी बायोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन सारे सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बाकी फोरेंसिक साइंस में है, तो आप इनके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी बीएससी लेवल पर जो है आपका जूलॉजी या फिर बॉटनी की ही डिमांड करी गई है, दोनों में से किसी भी एक में अगर आपके पास ये जो आपके पास डिग्री है, तो आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगली वैकेंसी है साइबर फोरेंसिक डिवीजन में। यहाँ पर बोला गया है मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर फिजिक्स में, और यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन की डिमांड भी करी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइबर सिक्योरिटी में। अगर ऐसा कुछ है तो आप इन वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी बीई बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। बाकी नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपका ग्रेजुएट डिग्री, जहाँ पर साइंस की जिसकी भी होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और डिप्लोमा आपका फोटोग्राफी में होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी तरह का एक्सपीरियंस को कंपल्शन नहीं दिया गया है, तो इन वैकेंसीज के लिए भी आप लोग जा सकते हैं।
अगर आपका बीएससी फॉरेंसिक साइंस है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होंगे, बट आपके पास डिप्लोमा एक होना चाहिए फोटोग्राफी में, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपकी साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में बात करें तो आपके पास जो बैचलर्स लेवल का है वहाँ पर आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट 2 साल तक कम से कम आपके पास होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कुछ और चीज़ें हैं और डिज़ायरेबल में ये है, बाकी कंपलसरी में इतना ही है, तो इतना आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सारी वैकेंसीज तो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब यहाँ पर कौन से तरह की वैकेंसी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसको देख लेते हैं। तो जो आपकी जूनियर फॉरेंसिक केमिकल एग्जामिनर की बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 और ये इसका बाइफर्केशन है। एक वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक अनरिजर्व है। सेकेंड जो है आपका, अगर हम बात करें जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर यानी कि केमिकल डिपार्टमेंट में, जो केमिकल एग्जामिनर ये पोस्ट है और डिपार्टमेंट है साइबर फॉरेंसिक डिवीजन, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 15 और ये कुछ आपका इस तरह का बाइफर्केशन है। 8 अनरिजर्व है, 2 SC, 1 ST, 3 OBC एंड 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। नेक्स्ट आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करें इन्हीं सेम पोस्ट के लिए तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, 1 अनरिजर्व एंड 1 SC। नेक्स्ट है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4, 3 अनरिजर्व एंड 1 OBC। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5 फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। पोस्ट को जरूर से ध्यान दीजिएगा कि कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अनरिजर्व है, 1 SC के लिए है एंड 2 OBC। नेक्स्ट है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉर बायोलॉजी डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, 1 SC एंड 1 OBC। नेक्स्ट आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और वो 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपकी बैलिस्टिक डिपार्टमेंट है उसकी बात, तो वहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3, 2 अनरिजर्व एंड 1 OBC। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10, 4 अनरिजर्व, 2 SC, 1 ST एंड 2 OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट में बात करें तो 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व है। साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी की तो टोटल है 19, 10 फॉर अनरिजर्व, 2 SC, 1 ST, 5 OBC एंड 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसी हैं जो कि अनरिजर्व है, और लैब असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में बात करें तो टोटल है आपकी 19 वैकेंसी, 10 फॉर अनरिजर्व, 2 SC, 1 ST, 5 OBC एंड 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ पोस्ट, किस तरह की पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या आपको ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कौन सी पोस्ट के लिए कितना कितना क्या क्या काम करना है, वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24/7 आपकी क्राइम सीन की विजिट हो सकती है और आपको जो भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनको आपको असिस्ट करना होगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जो भी वो काम आपको देंगे वो करना होगा। तो ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल जो भी आपका लैब में काम होता है वो सारा काम आपसे वहाँ पर करना होगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पहुँचना है, आपका टाइम दिया गया है 10 AM पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी किस किस डेट में है वो भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जाना कहाँ पर है आपको, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए पहुँचना हो। बाकी जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको फिल करना है, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, ठीक है। अभी बात करें कितना कितना पेमेंट आपको मिलेगा, तो पेमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की, इसकी इस पोस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो वैकेंसी रहेगी वो 77,418 पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 48,852 का रहेगा पर मंथ। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे
द 40,296 का पेमेंट आपको मिलेगा, और लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 35,190 रुपीस पर मंथ आपको दिया जाएगा। और जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो एज पर रूल आपका डिसाइड करा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप अच्छा इंटरव्यू करके आते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, तो बहुत अच्छा आपके साथ, ये एक आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जो जूनियर फोरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है उसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में मैक्सिमम 30 ईयर्स बोला गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट में 27 ईयर्स मैक्सिमम है, उसके अंदर ही अंदर होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए बिलो 27 ईयर्स, और जो रिटायर्ड एक्सपर्ट और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी किसी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब किस तरह से अप्लाई करना है, तो जो आपका फॉर्म है वो आपको फिल करके 27th of October 2022 तक वहाँ पहुँचाना है। कैसे पहुँचाना है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो ईमेल के थ्रू इस ईमेल आईडी पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है जस्ट अभी, ये वाली जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के थ्रू आपको वहाँ पर मेल करना है। और मेल जो करना है वो आपको 27 अक्टूबर से पहले, 4 PM से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और बाकी जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को आपको जो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको लेकर भी जाना होगा। अभी कैसे करना है वो पूरा अभी हम आगे हम बात करेंगे पूरा फॉर्मेट के साथ में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर रहेगा वो 6 months का रहेगा, और या फिर जब तक वो आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट ना हो जाए, मतलब कम से कम 6 months तो रहेगा ही रहेगा। बाकी वो आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जो भी चीज़ें रहेंगी। बाकी ये मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रहेगा, और 6 months का कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। बाकी ये चीज़ आपका एक्सटेंड भी कर सकती है, और बाकी ये जो है आपका टर्मिनेट भी हो सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, एक्सटेंड भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 6 months भी कर लेते हैं तो आपका 6 months का ये वाला जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा आपका काउंटेड रहेगा। ठीक है, बाकी ये मान के चलिए कि एक्सटेंड तो होना ही होना है। बाकी किस तरह से आप वहाँ पर काम करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। इतना हो गया, अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि जितने भी फोटोकॉपीज आप लेकर जाएंगे, इतने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका आधार हो गया, आधार मतलब जो भी आपका कह सकते हैं आईडी प्रूफ है, वो आईडी प्रूफ, जितनी भी सर्टिफिकेट्स होंगी, जो भी मार्कशीट्स होंगी, जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सारी की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको चाहिए होगी, तो उसका पूरा एक सेट तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ही रहेगा। इतना हो गया, बाकी यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है कि जो डेट आपको दे रखी है उस डेट पर अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट करा लिया जाएगा सबका, तो उस दिन होगा। अगर कुछ बच्चों का रह जाता है तो उनका जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या है, कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। क्या क्या लीव है, किस तरह से मिलेगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। उसके अलावा 3 passport size फोटोग्राफ्स भी आपको चाहिए होंगी, तो वो भी आप वहाँ पर लेके जाएंगे। और यहाँ पर आपका जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो कौन कौन सिलेक्ट हुआ कौन कौन नहीं हुआ, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 100 rupees के स्टैम्प पेपर पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाना मतलब होगा। ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ है, वो आपका डिपेंड करेगा कि कब आपका जो रिजल्ट आया है तो उसके बाद की प्रोसेस है, तो अभी उससे मतलब नहीं है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रहेगी वो 31st of October तक आपका आ जाएगा वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जो भी इसका रिजल्ट रहेगा, कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं, ये वाली वेबसाइट है fsl.delhi.gov.in, वहाँ पर जाकर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो ये आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट है कि किस तरह से आपको करना है। ऊपर आपकी फ़ोटो लग जाएगी, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। बाकी आपका नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, मम्मी का नाम हो गया, आपका एड्रेस क्या है, वो जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आप इसमें प्रॉपरली फिल कर देंगे अच्छी तरह से। और जो भी आप इसमें बता रहे हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये मार्कशीट्स हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपने कहीं पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह से वर्क किया है, तो उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। आपकी 10th 12th BSc ग्रेजुएशन और मास्टर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर उसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मेट है इसका, ये जो मैं PDF आपके साथ में शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सारे चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कब कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा गया है। तो जितनी भी आपकी ये वाली वैकेंसी है, ये वाला स्लॉट देखिएगा, जूनियर फोरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर बैलिस्टिक, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, और फिर ये फिजिक्स वाला और फोटोग्राफी वाला, फोटोग्राफी वाला, ये जितना भी है ये सारा 10 नवंबर को होगा। अब इतने सारे सेक्शन का 10 नवंबर को करवाया जाएगा। इफ़ इन केस ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं और 10 तारीख को सारे बच्चों का इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा उस दिन आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कौन से हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी डिपार्टमेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इन सबका 11 नवंबर को एग्ज़ाम इंटरव्यू होगा। बाकी ये वाले जो हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक डिवीजन और साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, ये सारे जितने भी साइबर फोरेंसिक डिवीजन के हैं, इनका 14 और 15 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये पूरी लिस्ट हो गई कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का कौन कौन सी पोस्ट के लिए कब कब इंटरव्यू होगा, तो ये पूरा आप देख लीजिएगा। और जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसका फॉर्म भर के आपको पहले तो ईमेल कर देना है। ईमेल करने के लिए जो ईमेल आईडी थी मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर आपको उसको ईमेल करना है। उसके बाद में आपको जो मैंने बताया था आपका FSL दिल्ली का जो रोहिणी सेक्टर में बेसिकली मेन FSL है, वहाँ पर जाना है आपको इंटरव्यू के लिए। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी बच्चों ने अप्लाई कर दिया है फॉर्म ऑनलाइन ईमेल उनको भेज दिया है तो सभी को इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है, ऐसा नहीं है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 20 में, तो इसमें क्या है कि जब आप सभी के जो 27th of October तक आपके जब ईमेल्स जो हैं वो पहुँच जाएंगे उनके पास में, तो उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कि वो किसको किसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो वो वाली जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए दिल्ली जाएंगे, वो लिस्ट FSL दिल्ली की ये वाली वेबसाइट पर आपको 31st October 2022 तक अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने आपको गलत बता दिया था। तो यहाँ पर जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे, इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया जाएगा, उनकी लिस्ट आपको 31st October 2022 तक अपडेट हो जाएगी इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि वैसे क्या होता था सभी को बुला लेते थे, बहुत वहाँ पर भीड़ हो जाती थी, इंटरव्यू बहुत जल्दी जल्दी करते थे, बहुत रश होता था, तो इंटरव्यू उतने अच्छे से हो नहीं पाता था। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर लिया है और जितने भी आपके जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ वही लोग इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होंगे और वही लोग वहाँ पर जाएंगे, तो ये शॉर्टलिस्टिंग पहले ही कर लेंगे। तो ये एक अच्छा काम इन्होंने इस बार कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या है इस वैकेंसी का पूरा क्राइटेरिया, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये सारा जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी @SavvyForensics पर, तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF को ले सकते हैं। इसका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो इसी PDF में अटैच है, तो वहाँ से जाकर आप वो दो पेजेस हैं बेसिकली उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको फिल करेंगे, उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी कि अपने साइन करेंगे उस पर, और फिर एक सारे ही जितने भी पेजेस बनेंगे, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकी जितने भी साथ में बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन सब की आपको एक PDF बनानी है, और वो PDF को आपको ईमेल पे अटैच करना है और ईमेल पे आपको वो उनको सेंड कर देना है। तो इस तरह से आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी और जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल एलिजिबल होंगे बेसिकली उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और लिस्ट कब तक आपको मिल जाएगी, 31 अक्टूबर तक। तो वहाँ से जाकर आप 31 अक्टूबर को इनकी वेबसाइट से जाकर ये लिस्ट को
ले सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे तो वो सभी लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई ज़रूर से करिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा इसमें आपको पेमेंट भी मिल रहा है और एक्सपीरियंस भी आपका इससे गेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो आपका लॉस है, कुछ नहीं लॉस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे अगर आपने 6 मंथ्स भी कर लिया तो वो भी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस की तरह से काउंट होगा। बाकी इसमें अगर ये आपका एक्सटेंड होता रहेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर बहुत अच्छी रही तो कंटिन्यूअसली ये आपका एक्सटेंड होता रहेगा, तो इससे आपको ही बहुत बेनिफिट बाद में मिलेगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। बहुत अच्छे से अप्लाई करिएगा और सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू देकर आइएगा, और ये सोच के जाइएगा कि आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपके लाइफ में कुछ करने के लिए। सो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी से ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नीडी कैंडिडेट्स हैं एंड स्पेशली इतने भी फॉरेंसिक साइंस के कैंडिडेट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और वो लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएँ। और जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।